हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे टॉपिक इज हंगुल प्रोजेक्ट। अब देखिए, हंगुल प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा टिपिकल टॉपिक नहीं। हंगुल जस्ट ए एनिमल लाइक डीर, ठीक है, और इट इज इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अलोंग विद दी WWF जो कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड के साथ, जो IUCN का एक एजेंसी है, उसके साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टू कंजर्वेशन ऑफ दिस एनिमल। और ये एनिमल जो होता है कहाँ पाया जाता है, जो हमारा सबसे बॉर्डर स्टेट हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। अब तो वो अलग अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, और कुछ उसकी स्पेसिफिक रिपोर्टेड है हिमाचल प्रदेश का एक जो सेंचुरी है वहाँ से, मगर मेजॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो देखते हैं हंगुल के बारे में, पहले इसे देख लें, लुक लाइक दैट, ये हंगुल होता है, ठीक है। देखिए, बर्फ की चारों तरफ दूसरा डायग्राम इसका, ये देख लीजिए, दिस इज हंगुल। इसकी कंटिन्यूस डिक्रीजिंग नंबर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक एन इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ हंगुल प्रोजेक्ट इन 1970 अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एफर्ट बाई द WWF दैट नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और जो किससे रिलेटेड होता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखते हैं इसमें क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन आते हैं, उसे देख लेते हैं और थोड़ा सा एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, हंगुल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1970, मतलब 1970 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले का कोई प्रोजेक्ट हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं अभी तक। जो कल हमने वीडियो डाला था उसमें 1970 था, 1972 था, 1973 था, फिर 75 था, 84 था, 92 था और 2014 था। ये 7 प्रोजेक्ट पर हमने डिस्कस किया था। अब हम पहले प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं, हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में स्टार्ट हुआ था। हंगुल का जूलॉजिकल नेम होता है सर्वस एलिफस हंगलू, ठीक है, ये इसका जूलॉजिकल नेम होता है। ये पूछने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कॉमन नेम जो होता है कश्मीर स्टैग, इस नाम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कश्मीर स्टैग किसे बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, ठीक है, और इसकी कैटेगरी क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अच्छा, IUCN की कैटेगरी का कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड का पूरा कि क्या होता है इंडेंजर्ड, या मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देखें तो आपको सब इंडेंजर्ड क्रिटिकल डेटा डिफिशेंट, ठीक है, एक्सटेंडेड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट, हर एक की बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मैंने दिया विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हंगुल प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, ये सबसे 1970 डेट याद रखना है आपको। अच्छा, हंगुल जो एनिमल है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पे, कि ये लुक लाइक दैट, इट इज़ ए हैंडसम डीर विद स्प्रेडिंग एंटल, सही, इसके जो सींग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचड होते हैं। दूसरा है रूटिंग, रूटिंग का मतलब होता है सेक्सुअल अर्ज का जो पीरियड होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का जो पीरियड होता है उसकी बात करते हैं इसमें। रूटिंग स्टार्ट इन मिड सेप्टेम्बर में स्टार्ट होती है और कंटिन्यूस टिल सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर, जो टाइम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में हम लोग हैं। तो ये बिल्कुल हंगुल के लिए उसका सेक्सुअल एक्साइटमेंट का पीरियड होता है, जिसमें मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग रेट, जैसे होता है ह्यूमन बींग में भी कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को पड़ते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत ही मतलब और फिजियोलॉजिकल परिवर्तन मतलब चेंजेस, इसी तरीके से इस एनिमल में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि दे शो डिफरेंट ग्रुपिंग बिहेवियर ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो इनकी फीमेल होती हैं और मेल होती हैं, उन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे करके देखिए, एडल्ट मेल जो होता है वो सेग्रीगेट होता है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग हो जाता है मेल वाला, और जबकि जो फीमेल होती हैं वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में ग्रुप बनाती है, मतलब बिल्कुल देखिए मेल ग्रुप से अलग होता है और फीमेल ग्रुप बनाती है। क्यों बनाती है, फिर उन्हें बर्थ करना होता है उनके काफ बच्चे, काफ का मतलब जनरल टर्म होता है जो यंग्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, इन अर्ली जून, जून में वो अपने बच्चे देती है, इसलिए उनका बिहेवियर देखने को थोड़ा डिफरेंट। इसके बाद में एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, वो है कि इस एनिमल को IUCN का जो सर्वाइवल कमीशन था आप रेड डेटा बुक उसमें इंक्लूड करा गया था, उनकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक इनिशिएटिव दैट, जिसे हम आज स्टडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है। इसमें भी IUCN का जो WWF है उसका और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशली, उन दोनों का मतलब ज्वाइंट एफर्ट था, उसके बाद ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया था, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रेड डाटा बुक का सर्वाइवल कमीशन था IUCN का, उसमें भी इस एनिमल को जगह मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हंगुल इज ए वेरी इज ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रेड डीर फैमिली इन कश्मीर, ठीक है, दूसरी जगह पाई जाती है, बट कश्मीर में एक सिंगल स्पीसीज है रेड डीर फैमिली की। इट वॉज वंस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन माउंटेन्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, जो माउंटेन ऑफ कश्मीर है वहाँ पाया जाता है, स्पेशली जो कश्मीर की एक सेंचुरी है डच्चीगाम नेशनल पार्क कह सकते हैं, या डच्चीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, और गंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश जो उसके चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वहाँ पे ये पाई जाती है। मोस्टली 90% ये कश्मीर में है, कुछ एक दो रिपोर्ट हुई है इनका मतलब नंबर गंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा रिपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिली है, एंड
कुछ जनरल फॉरेस्ट ऑफ द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, एंड भद्रवाह कालसोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीजन, वहाँ भी ये रिपोर्ट हुई है। और दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च इन, हम ऑलरेडी बता चुके 1970 विद द हेल्प ऑफ IUCN एंड WWF। इन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल बट लेटर कंसिडर्ड फेलियर। ये इंपॉर्टेंट है कि शुरू में जो नंबर थी ना लोग बढ़ाने में, गवर्नमेंट और जो भी प्रोजेक्ट के जो नॉमिनी थे उन्होंने बढ़ाने में कामयाब हुआ, इसकी नंबर बढ़ गई थी। और बाद में मतलब 1970 में स्टार्ट हुआ, 80 तक इसकी नंबर में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बाद में ये प्रोजेक्ट जो था फेल हो गया। अब उस प्रोजेक्ट फेल होने के रीज़न देखते हैं क्या है, क्यों प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये प्रोजेक्ट फेल होने के मेन रीज़न थे कि वहाँ के जो लोकल पीपल थे, बड़े बड़े कई सारी वहाँ पर ट्राइबल्स हैं, जैसे अगर कि यहाँ होते हैं दूसरे यूपी में, इधर हैं गुज्जर्स, बकरवाल्स, ठीक है, नंबरदार्स, चौकीदार एंड पड़ो, इन लोगों को गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया था, जबकि यही मेजोरिटी मतलब उस एरियो में रहते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन जरूरी था। बट गवर्नमेंट के जो थे उन्होंने इनका बिल्कुल भी मदद नहीं लिया, मतलब उन्हें नॉट ए पार्टिसिपेटिंग यूनिट इंक्लूड किया गवर्नमेंट ने। दूसरा, कश्मीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, मिलिटेंसी बढ़ गई थी उस दौर में, ठीक है, 90 में मिलिटेंसी की बात करते हैं तो 70 में स्टार्ट होता, 80 तक इसका अच्छा ग्रोथ देखने को मिली थी। बट उसके बाद जैसे जैसे वहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, इस प्रोजेक्ट का मतलब रिजल्ट नेगेटिव आना शुरू हुआ, कोई मतलब खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली इन दी नंबर ऑफ हंगुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी क्या करा, कुछ सीमेंट फैक्ट्री को जो दाचीगाम नेशनल पार्क है जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी मिलती है, वहाँ पे उसके अराउंड सराउंड में कुछ उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री को परमिशन दे दी। और सीमेंट फैक्ट्री का काम क्या होता है कि बहुत अंदर से मिनिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम का वहाँ पर डिस्टर्बेंसेज क्रिएट करा, इससे ये वहाँ से मूव कर गए कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पर इन्हें आसानी से लोगों ने या दूसरे जो एनिमल इनके प्रेडेटर्स होते हैं उन्हें इन्हें ख़त्म कर दिया। इसके बाद इलीगल अनसाइंटिफिक मीनिंग ऑफ लाइम स्टोन ओवर माइल्स अंडर इट्स नोज, मतलब इसकी नाक के नीचे जहाँ पे लोग रह रहे थे वहीं पे इन्होंने सब माइनिंग वगैरह की लाइम स्टोन की, और दिस क्रिएट ट्रैप्स मतलब गड्ढे मतलब बड़े बड़े हो गए, उनमें गिर के भी ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट हंगुल आपने देखा, इसके जो नाम है कश्मीर स्टैक उसे ध्यान रखना। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1970 में स्टार्ट हुआ, किसके एफर्ट से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड WWF के एफर्ट से हुआ था, ठीक है, और इसका जियोलॉजिकल नेम और कुछ इसके फीचर्स जैसे, और सर्वाइवल कमीशन में ये शामिल हुआ था उसके बाद ये प्रोजेक्ट आया था। और इसका रूटिंग कब होता है वो पीरियड भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो बिहेवियर होता है एनिमल के मेल एंड फीमेल में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे। इसके साथ ये लेक्चर समाप्त, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।